फिरोजाबाद एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि 5 जनवरी को क्षेत्र नगला श्रोती के पास बदमाशों मोड़ा निवासी सत्यपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका क्राइम ब्रांच व थाना मटसैना पुलिस ने संयुक्त रूप से अनावरण करते हुए हत्या करने वाले 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त असला को बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अलीन निवासी मोड़ा और टिंकू निवासी श्रोती के रूप में हुई है। वहीं वंचित अभियुक्त राजू व एक अज्ञात महिला फरार है। हत्या के पीछे अभियुक्त अनिल का सत्यपाल से जमीनी विवाद सामने आया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। फिरोजाबाद से राकेश वर्मा के साथ जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। गुरु है, क्या है गुरु मामला? ये देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, दिनांक 5/1 को नगला श्रोती रोड पर सत्यपाल, जो कि मोड़ा गांव का रहने वाला था, मराजो गाड़ी थी उसका ड्राइवर था, इसको गोली मारकर किंग का मर्डर कर दिया गया था, जिसमें बाईस भूमि विवाद के रूप में 2 मुलजिमान को नामित किया गया था। इसमें जब प्रोब किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, तो ये घटना सत्य पाई गई। ज़मीनी विवाद में और पुराने विवाद में अनिल यादव नाम के जो बदमाश है, इसने सतपाल जो ड्राइवर का रूप में जिसकी डेड बॉडी मिली है, उसको रास्ते से हटाने के लिए ये 3 लोगों का प्रयोग किया, जिसमें एक महिला है और राजू नाम का एक बदमाश है जो अभी वांटेड है, तथा मेन मर्डरर टिंकू उर्फ विमल जो नगला श्रोती का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। ये बदमाशों के माध्यम से सतपाल को जो है ट्रेन किया गया। जो गाड़ी है वो राजू ने बुक कराई, और बुक कराने के बाद में मैनपुरी से एक महिला मित्र को लाने के नाम पर पे जो है टिंकू को गाड़ी के माध्यम से भेजा, और वापसी में मोड़ा के पास में ये राजू इनको मिला, जिसके पास भी तमंचा था, और उसके आधार पर तमंचा लेकर के जो टिंकू विमल है उसको दे करके इसका मर्डर कराया गया। ये 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है। अभी ये जो राजू है ये फरार है, तथा महिला मित्र फरार है, इनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। जो मेन मुलजिम है अनिल, इसके द्वारा 2 लाख रुपए की सुपारी राजू के माध्यम से टिंकू को देकर के ये मर्डर कराया गया है, और अभी इसमें 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, अनिल और टिंकू। शेष मुलजिम की गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये जमीनी रंजिश है जो पिछले कई समय से चल रही थी, लगभग 1.5 से 2 साल से चल रही है। अभी पीछे 15-20 दिन पहले भी इसमें झगड़ा हुआ है, तभी ये डिसाइड किया अनिल ने कि मैं इसको रास्ते से हटा दूंगा, और ये योजनाबद्ध तरीके से प्लान करके राजू के माध्यम से ये इस काम को अंजाम दिया गया है। संपूर्ण सुविधायुक्त स्वास्थ्य केंद्र माँ केला देवी हॉस्पिटल में इलाज कराना हुआ आसान। यहाँ पर फैमिली हेल्प कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर सभी प्रकार की महिलाओं संबंधी व अन्य बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध है। तहसीलदार विवेक भादौरिया की ओर से फिरोजाबाद जनपद वासियों को मकर संक्रांति व 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके शहर फिरोजाबाद पहली बार स्कूल यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स एंड बुक सेंटर खुल गया है।
आयान इंटरप्राइजेस स्कूल यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स एंड बुक सेंटर आपको हमारे यहाँ उचित रेट पर स्कूल के बच्चों की ड्रेस व स्पोर्ट्स के आइटम पर 20% छूट मिलेगी। शहर फिरोजाबाद में पहली बार वैष्णवी हेल्थ क्लिनिक। यहाँ पर डायबिटीज, थायराइड, जोड़ों का दर्द, खास खुजली, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस, सीने में दर्द, सीओपीडी, पेट की बीमारी आदि का इलाज किया जाता है। फिरोजाबाद किड्स कॉर्नर इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रबंधक मयंक भटनागर की ओर से नववर्ष मकर संक्रांति एवं 26 जनवरी की जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।